वहां पे चले जाएगा ये। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आपको हम लूप और क्लीनर अप्लाई करना और उसके फायदे बता रहे हैं। गाड़ी को डबल स्टैंड पे लगा रहे हैं और दिखाएंगे आपको चेन कैसी हो रही है हमारी, और अब अप्लाई करने के बाद हमारी चेन कैसी हो जाएगी। पूरी सूखी पड़ी है, कैसे सूखी पड़ी है अभी चेन में, काफ़ी टाइम से ल्यूप नहीं हुआ है, और मतलब जब सर्विस हुई थी उसके बाद से अभी तक हमने ना ल्यूप यूज़ करा इस पर, ना हमने क्लीनर यूज़ करा, तो ये आपको क्लीनर वगैरह यूज़ करके दिखाएंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल सूखी पड़ी है और थोड़ी सी ऐसा लग रहा है जंग सी आ रही है, ये देख सकते हो कैसी हो रही है हमारी चेन। अभी लास्ट टाइम करवाई थी मैंने सर्विस के। चलिए हम आपको दिखाते हैं फिर आगे प्रोसेस इसका। ताबिज भाई अभी फिलहाल चेन साफ कर रहे हैं, जो इसके ऊपर ग्रीस वगैरह के निशान आ रहे हैं क्योंकि ग्रीस वगैरह चिपकी हुई है इसके ऊपर, धूल मिट्टी भी लग रही है, इसे साफ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसका लगाने का, जो हम लूप लगाएंगे ये सब चीज़ें इसके फ़ायदे ही होते हैं वो भाई, सब लगानी चाहिए, इससे लाइफ बढ़ जाती है। आगे मैं इसको और बताऊंगा कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। भाई हमारे मोटुल का है क्लीनर और ये हमारा ल्यूब, जो C1 है इसे पहले अप्लाई करना होगा, C2 बाद में है। अब आपको हम इसका अप्लाई करने का तरीका बता देते हैं। पहले तो बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा, बाइक स्टार्ट कर दीजिए लगाने के बाद कम से कम 5 मिनट तो छोड़िए सर, जो ये क्लीन कर दे इसे 5 मिनट, ये मेन है, फिर उसके बाद अगला लगेगा 5 मिनट के बाद। मतलब ये है कहने का कि क्लीनर को लगा के छोड़ना है ताकि वो अपना काम कर सके, कम से कम 2 मिनट देना ही, मिनिमम इसे 2 मिनट दे के छोड़ दें, फिर इसे कपड़े से साफ करेंगे। अभी हम एक कोट अभी और देंगे पहले क्लीनर का, इसे थोड़ी देर में 2 मिनट के बाद और देंगे। आगे भी एक बार यहाँ पे क्लीनर लगा देना, यहाँ पे आगे जाएगा इंजन के पास तो हमारी चेन जाती है ना, जब घूमती है वहाँ पे चले जाएगा ये। बर्फ को साफ कर देना क्लीन लगा के एक बार, अब भाई तो मैनुअली करना है, वैसा मत कर देना, क्या नाम है गियर स्टार्ट करके, गियर स्टार्ट करके कपड़ा वगैरह फंसने का खतरा होता है, आपके हाथ में भी लग सकती है, इसलिए अपना आराम से सेफ्टी से करना, सेफ्टी फर्स्ट है भाई। सही से करना है सर, अब ये हो चुकी है, देखिए साफ कितनी हो चुकी है, कितना क्लीन हो चुका है, दिखा देना आगे, देखो आगे आके दिखाओ। और ये हमने अभी अप्लाई तो करा था क्लीनर, उसने क्लीन करा देगी, यहाँ पर हमारी जंग दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये देखो पूरी साफ हो चुकी है हमारी ये चेन। अब हम करते हैं इसका दूसरा वाला अप्लाई, ये हमारा है मोटल का ल्यूब C2, अब हम इसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करना बताता हूँ कैसे अप्लाई करते हैं। अपनी बाइक स्टार्ट करके पहले गियर पर कर देना,
आपको इसका बता देते हैं फायदे। फायदे ये हैं भाई, इससे ना लाइफ बढ़ जाती है आपके चेन सेट की और आपके इंजन की, जिससे जंग नहीं आने देती। अब जैसे यहाँ पर अभी जंग आ रही थी हमारी, तो ये ख़राब हो जाती है हमारी, इंजन पर दिक्कत होती है, उस पर बहुत चीज़ों पर दिक्कत आ जाती है। तो इसे ना अप्लाई ज़रूर करें अपने उस पर। और इसका नुकसान ये है कि भाई अगर नहीं करोगे तो जवा जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, इसलिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया यूज़ करें। देखिए हमने इसलिए मोटल कल लिया था, ये है हमारा। मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ, इसका प्राइस है भाई ये 220 का लिया था हमने, और ये लिया है 230 का। 220 का तो हमारा चेन वो क्लीनर, और ये ल्यूब है हमारा 230 का। बढ़िया से बढ़िया अप्लाई करें, 10-20 रुपए के चक्कर में अपनी कोई बड़ी लोकल वोकल ले लें चाइना, इसलिए बढ़िया वाला लें। अब यहाँ का होता है ब्लॉग का द एंड। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेता हुआ। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।